गुंडा शुक्रवार को नवाबगंज थाना क्षेत्र के दत्तनगर ग्राम में 600 परिवारों को सांसद कैसरगंज ब्रिजभूषण चरण सिंह ने राहत सामग्री बांटी। लोगों को संबोधित करते हुए सांसद श्री सिंह ने कहा कि बाढ़ से निपटने के पुख्ता इंतजाम जल्दी कर लिए जाएंगे, इसी में सभी की भलाई है। बाढ़ प्रभावित लोगों से उनका कुशल क्षेम जाना एवं खाने पीने व रहने की जानकारी ली। उन्होंने चिंता जताई कि बाढ़ खंड अपनी बृहद कार्य योजना बनाने में फेल रहा है, जिससे बाढ़ से निपटने में प्रशासन परेशान रहा। ऐसे में भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं कि आने वाले समय में बाढ़ से आसानी से निपटा जा सके। दैनिक भास्कर गोंडा से हरिनारायण शुक्ला की ये रिपोर्ट। हम अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के अंदर बैठे हैं। यहाँ पर जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मेरी ही मांग पर उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने ये पुल दिया था और पुल तो बन गया, लेकिन लास्ट समय पर कुछ कमी रह गई, जैसे पुल का गाइड बंद नहीं बना और सड़कें कुछ ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो गई, जिसको लेकर के अब तक अनुमान है कि 20 या 25 लोगों के जान यहां पर जा चुकी है, क्योंकि जो बाहर के लोग आते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। यहाँ यल टाइप के 4-5 मोड़ हैं और जिसके कारण लगभग 20-25 लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं। लेकिन आज हमने यहाँ का दौरा किया, 5 जगह पर ये सड़क कट गई है और जैसे मैंने कहा था कि अयोध्या का तीर्थ क्षेत्र में ही हम बैठे हैं। आज अयोध्या के अंदर परिक्रमा का मेला चल रहा है और कुछ कारणों से अत्यधिक भीड़ होने के कारण लखनऊ फैजाबाद का यातायात बंद करना पड़ता है या धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। उस परिस्थिति में यह पुल और यह सड़क अयोध्या बाईपास का काम करती थी। इससे बिहार से लेकर के देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अपना पूर्वांचल के सारे लोगों की गाड़ियां यहां से पास होती थी। कब? जब अयोध्या का रास्ता बाधित होता था। इस बार जो बाढ़ आई थी, लगभग आज तक जो बाढ़ मैंने अपने 64 साल की उम्र में या 65 कह लीजिए साल की उम्र में मैंने देखा है, उससे कम 1 मीटर पानी खड़ा ज्यादा था।